ये जो एमएसपी की बात आ रही है, ये हमको पता है सबसे पहले कब लागू हुआ था देश में? सबसे पहले एमएसपी गेहूं के ऊपर लागू हुआ था सबसे पहले 1966 में। इसमें शुरुआत करने में लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने 64 में एक कमेटी बनवाई थी, 64 में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उसकी रिपोर्ट के बाद आते आते सबसे पहला जो 66-67 का साल था उसमें एमएसपी लागू हुई थी। थोड़ी हुई होगी उस समय, 2-4 रुपए का ही भाव होता था मण का रेट चलता था, क्विंटल तो बाद में बना, बढ़ते बढ़ते आज यहां तक आया। लेकिन इसके बाद भी एमएसपी लागू होके सरकारों ने इसकी खरीद शुरू नहीं की, जितनी जरूरत होती थी उतनी खरीदते थे। बाद में यह आया कि कुछ ऐसी मूलभूत फसलें, उसकी फसल सारी खरीदी जाए जो हमारे पेट का आधार बन सकती हैं, जो भूख मिटाने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें गेहूं है और धान है। रेट तो बाकी चीजों को भी तय होते हैं, लेकिन गेहूं और धान ये केंद्रीय पूल में पूरे का पूरा जाने लगा। सबसे बड़ा योगदान 66 से पहले तो केवल पंजाब होता था, फिर दो प्रांत बन गए, दोनों का प्रांतों का इसमें योगदान सबसे ज्यादा हुआ। और आज भी गेहूं और धान केंद्र सरकार खरीदती है, एफसीआई खरीदती है, और सारे का सारा खरीदा जाता है। बाकी चीजों की, 2-3 फसलों की और साथ में एमएसपी लागू हुई, सरसों की हुई, बाजरा की हुई, लेकिन 2009-10 तक वो जो देश पर राज करने वाली सरकार की जो मालिक अपने आप को समझती है पार्टी, उन्होंने सिवाय इन 2 चीजों की कुछ चीज खरीदी नहीं। बाजरा भी 11-12 में थोड़ा बहुत खरीदा जाने लगा, सरसों भी हमने आकर के 2015-16 में आकर के खरीद लिया, 2008 से 2014 तक 6 साल में एक ही भी दाना सरसों का प्रक्योर नहीं हुआ। तो एमएसपी घोषित करना, फिर उसको लागू करना, ये बात आ रही है कि एमएसपी का कानून बना दिया जाए। पहला तो मेरा प्रश्न है कि 1966 से लेकर के और 2014 तक ये कानून क्यों नहीं बना? 38 साल उन्होंने राज किया, 48 साल में यानी एमएसपी के बाद, या तो उससे पहले भी है, एमएसपी के बाद केंद्र सरकार और प्रदेशों में उनकी सरकार रही, बहुत बड़े आज किसानों के पैरोकार बन करके आते हैं, तो इस बात का जवाब देंगे। और फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने भी तो अभी नई बात मानी। हमारा कहना है कि हम एमएसपी पर खरीदने की जो आज हम गारंटी दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, चाहे हम लोग दे रहे हैं, हम अभी उन सरकारों को कह रहे हैं मुकाबले में आकर के उतरा तो करो जितना कर रहे हैं, कह तो रहे हैं। मैं दूसरे प्रांतों की बात नहीं करता, केवल पंजाब और राजस्थान की बात करता हूं। हरियाणा में जितनी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, आज ही चैलेंज है उतनी की उतनी खरीद के दिखाएं, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है, चाहे सरसों है, चाहे सूरजमुखी है, चाहे मूंग है, ये फसलें तो खरीदें, ये तो प्रदेश सरकारों को खरीदनी होती है, केंद्र सरकार को नहीं खरीदनी होती है। केंद्र सरकार तो पीएसएस के माध्यम से एक 25% की कभी कभी ऑफर देते हैं कि इसमें से अगर आप चाहो तो 25% हमको दे दो,